हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे OIC में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भोंकने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की पहले ही बोलती बंद कर दी गई और कश्मीर पर कोई बात नहीं हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में जो भौकाल आया है वो देखकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के बारे में करते हैं बात। और हालांकि एक ऐसी चीज है फलस्तीन का इशू, इस पे अगर आप देखें तो कई ममालिक ऐसे हैं जो फलस्तीन को हमारी तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करते, फलस्तीन की हमायत की वजह से। वो समझते हैं कि फलस्तीन का मसला डिस्प्यूटेड है और उस मसले को रिजॉल्व होना है सही। और एक हम है कि हमारे जो ये कलमा गो दोस्त हैं ये सारे के सारे उधर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, और हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में कि हम अगर न गए, ये अंदर से ये भी कहानी चल रही है, अगर हम न गए तो हमारा तो फिर रोजगार ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है, ऐसी इस्लामी रियासत बनाने का हमें क्या फायदा था 1947 में, जिस रियासत के अंदर आखिरकार हमने इस किस्म की फॉरेन पॉलिसी बनानी थी जिसका एंड ये था 370, और उसका एंड का दूसरा हिस्सा होगा फलस्तीन को तस्लीम। ठीक है जुनैद साहब, इफ्तिखार साहब फरमा रहे हैं कि खारजा पॉलिसी की नाकामी हमारी तन्हाई की वजह है। जो एजेंडे का हिस्सा है उसमें फलस्तीन कॉज को डिस्कस किया जा रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, इस्लामोफोबिया के मामले पर बात होगी, मजहब की बेतौकीरी और गैर इस्लामी ममालिक में मुसलमानों की बहसियत अकलियत जो उनसे सुलूक किया जा रहा है उस पर बात होगी, नहीं होगी तो कश्मीर मामले पर नहीं होगी। देखें, मसला ये है कि उम्मत मुस्लिमा का तसव्वुर पाकिस्तान में तो था लेकिन बाहर पहले भी बड़ा कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तकरीबन खत्म हो चुका है। हम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, दुनिया बात नहीं करती है। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान की जंग खत्म होने के बाद नई सफबंदी है, चाइना के उभरने के साथ नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, और लोगों मुख्तलिफ मुल्क जो है वो अपनी पॉलिसीज और अपनी अलायंसेज जो है वो नए सिरे से मुरतब कर रहे हैं। एक वक्त था कि अरब फलस्तीन के कॉज से बड़े लॉयल थे और बहुत जबरदस्त तरीके से उसको डिफेंड भी करते थे, और अगर कोई नहीं करता था तो अरब सारे मिलकर नाराज हो जाते थे उसके, अरब लीग बड़ी मुतहरक होती थी। लेकिन वो सब बैठ गया, और अब इनमें से कम अज कम ये खलीज में जितने भी मुल्क हैं इनमें से कोई, और बल्कि मुस्लिम उम्मा में ही मेरा ख्याल है एक दो टर्की वगैरह के अलावा फलस्तीनियों के कॉज में कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके साथ खड़ा है। नतीजा ये कि ये नया ब्लॉक जो बन रहा है उसमें प्रॉब्लम है ईरान, ये ईरान के खिलाफ अरब अपने दिफा के लिए अपने आप को नए सिरे से आरास्ता कर रहे हैं जिसमें इसराइल उन्होंने शामिल कर लिया है, और पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली इसराइल को चूंकि तस्लीम नहीं करेगा और हमारी एक असूली मौकफ है, हमने उस मौकफ को लेके आगे चलना है, तो उसकी वजह से लाजमी बात है कि ये मुल्क जो है जो अपने आप को समझते हैं कि वो इस्लामी मुल्क हैं लेकिन रहे नहीं, तो वो डेफिनेटली हमसे थोड़ा दूर हटेंगे। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है, और हमें इसका एहसास है कि अर्ज मुकद्दस के ऊपर यहूदी का पहुंचना, वहां पे उसका पैर रखना, ये इस्लामी दुनिया को कतन कबूल नहीं हो सकता। सारी जिंदगी गुजर गई यहूदी साजिशें करते रहे सदियों से ही हमारी अर्ज मुकद्दस के खिलाफ, और कुरान करीम में यह लिखा हुआ है कि यह कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो इन हालात में आपका तो मौकफ है एक असूली, लेकिन अरब बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं। नतीजा ये कि उन्होंने अपना मुकद्दर जो है वो इसराइलियों के साथ लगा के ईरान के सामने सबबंदी कर ली है, और वो अब एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में चलेंगे। आज उनके दोस्त उनके साथ वो होंगे जो इसराइल के दोस्त हैं, जैसे भारत है, उनके ताल्लुकात, वो आज एक ब्लॉक उधर बनेगा। आपको डेफिनेटली उस ब्लॉक से हटके बिल आखिर टर्की, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये इस साइड पे आपको होना होगा। ये संबंधी अभी इवॉल्व हो रही है, और मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा। हमारे ऑलरेडी दाइश की वजह से खित्ते में इधर हमारी बड़ी कॉपरेशन और बड़ी कोऑर्डिनेशन है ईरान के साथ, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, क्योंकि इनको एक मुश्तरका खतरा है जो अफगानिस्तान में दाइशों बढ़ रही है। तो इस अलायंस को आपने परमाना बिल आखिर चढ़ाना होगा। मेरा ख्याल है कि अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता उधर का छोड़ना होगा। ख्याल ये जो मुस्लिम उम्मा हम सोचा करते थे, उम्मा जो फलस्तीनियों को अपने अरब भाइयों को जो सारी जिंदगी से जुल्म बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं 1947, उनको बुला बैठी है, उनको छोड़ बैठी है, तो आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर कहां से आएगा।
कश्मीर वगैरह तो कोई नहीं, ये हमेशा से अपने मुफाद के पुजारी रहे हैं, लेकिन अब तो, और ये तारीख बता रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है कि हलाकत होगी अरबों को हलाकत होगी यहूदियों के हाथ, सबसे ज्यादा भुगतेंगे यही सऊदी अरब वाले, जहां पे रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाजिल किया था, ये भुगतेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि यही आज इन्हीं के कहने के ऊपर बाकी के खलीजी मुल्क जो है वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। अनिका, ये जिस अलायंस का जिक्र किया जनरल साहब ने अभी यहाँ पर, उसको सुनने के बाद और समझने के बाद तो ये और भी हालात मुश्किल लगते हैं कि मुस्लिम उम्मा कश्मीर कॉज के हवाले से कोई बात करेगी और हम ओआईसी से फिर क्या एक्सपेक्टेशंस रखें यहाँ पे? ठीक है, आप ओआईसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि जिस दिन सुषमा स्वराज को ओआईसी ने अपने मेहमान के तौर पर वेलकम किया था, एक ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे, मेरा एतबार ओआईसी से उसी दिन फिर गया था। और मुझे दो हदीसें याद आई थी, एक ये कि एंड टाइम्स में मुसलमान जो है वो समंदर की झाग की तरह होंगे तो बहुत सारे, लेकिन ताकत कोई नहीं होगी। और दूसरा ये कि मुसलमान, तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर एक बॉडी पार्ट पर भी पेन फील हो तो पूरा का पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करेगा। ये चीज अब मुझे जो है वो बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए अरब ममालिक को, मिडल ईस्टर्न ममालिक को, तो बहुत सारे ममालिक इंडिया और इसराइल से हाथ मिला चुके हैं। अब ऐसे ममालिक फिर क्यों कर फलस्तीन या कश्मीर के मामले को उठाएंगे, बिलखसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां तमाम की तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई है, एक बहुत वाज़े पैगाम जा सकता है। अगर कश्मीर के ऊपर बात की जाए तो कश्मीर इस प्लेटफॉर्म से अगर आवाज बुलंद हो तो पूरी दुनिया में एटलीस्ट एक ऐलामिया की सूरत में जाएगी जरूर, और भारत का इन ममालिक से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट टाइड है, इसीलिए ये ममालिक भारत को नुकसान पहुंचाकर कश्मीर के मामलात को रिजॉल्व करा सकते हैं। लेकिन यहां मुझे ये लोग मुंह फेरते हुए नजर आ गए हैं। मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि जिस दिन सुषमा स्वराज को बुलाया गया था वो पाकिस्तान के लिए एक इंसल्टिंग मोमेंट था। अब डिसाइड ये करना है कि क्या पाकिस्तान इस ओआईसी इजलास को एज इज तस्लीम करेगा, वहां शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरीके से अपना मौकफ बयान करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद है कि टर्की और मलेशिया के साथ होने पर हमारे बरादर ममालिक, जिन्हें हम बरादर ममालिक कहते हैं, वो कुछ नाराज भी हो गए थे, एक बयान भी आया था उसके बाद भी नाराज हो गए थे, उसके बाद चीजें रिजोल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि ओआईसी किसी भी तरीके से कश्मीर के मैटर को रिजोल्व करवा सके। कामरान, दफ्तर खारजा की तरफ से ये वजाहत भी आई, चूंकि कश्मीर का जो मामला है वो ओआईसी के एजेंडे का मुस्तकिल हैसियत रखता है, इसलिए भी उसका इस आरजी एजेंडे में शामिल होना ना होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मुस्तकिल हिस्सा है भी तो बात हम उम्मीद रखें होगी वहां पर। बात मेरे ख्याल में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ही करेंगे, ज़ाहिर है दफ्तर ख़ारिजा ने तो यही बयान देना था, क्योंकि इसमें तो ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर पर, गालिबन इस दफ़ा उसकी मीटिंग भी नहीं हो रही, उसमें भी चार पांच जो वज़ीर ख़ारिजा बैठ कर बात कर लेते थे जी, 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 तो इससे अंदाज़ा होता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी रियलिस्टिक बात करूँगा, देखें ओआईसी, ये पहले भी बात हो चुकी है, इट्स अ टूथलेस बॉडी, ये बिल्कुल हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बिल्कुल कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है। इस वक्त जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो टोटली डिवाइडेड हैं, एक तरफ आपको सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक नजर आते हैं, दूसरी तरफ आपको तुर्की, ईरान और ये ममालिक नजर आते हैं, कोई इनके अंदर यूनिटी नहीं है। ओआईसी जिस मकसद के लिए बनी थी, फलस्तीन के कॉज के लिए जो बनी थी, वो उस कॉज से ही जब पीछे हट रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से उनका क्या, उन्होंने उसको इतना सीरियस लेना है? और दूसरा, माजी में जब पाकिस्तान का एक ज़माने में ओआईसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था, और अगर तारीखी तौर पर उठा कर देखें तो लगभग 40 ऐसी करारदादें हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान के मौकफ की हिमायत करती हैं। तो क्या हुआ उसके नतीजे में? क्या उसके नतीजे में कश्मीर आज़ाद हुआ? क्या कश्मीर का हमारे हक में फैसला हुआ? तो हमें इस खाम ख्याली से निकल आना चाहिए कि ओआईसी के ऊपर हम जो रोना रोते रहते हैं, जो हमारा पहले भी इख्तलाफ रहा, ये जो नाइजर में मीटिंग हो रही है, जी जी जी, ये एग्जैक्टली मीटिंग हम सऊदी अरब से बहुत अरसे से उनकी इल्तजा कर रहे थे कि ये मीटिंग आप अगले साल ले जाएं और इस मीटिंग को इस्लामाबाद में करवा लें और कश्मीर के ऊपर बात करवाएं। सऊदी अरब ने उस पर आपकी बात नहीं मानी। जो वे फॉरवर्ड मुझे नजर आता है, हमें
एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। अगर सऊदी अरब और यूएई अगर कश्मीर के हवाले से हमारे मौकफ की तायद उस तरीके से नहीं करना चाहते तो हमें ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। हमारे ताल्लुकात की और भी नौइयत है। अपने आप हालात देखें, सऊदी अरब और यूएई आपकी फाइनेंशियल लाइफलाइन है। यूएई ने अभी हाल ही में जो वर्क वीजा है पाकिस्तान के लिए और कुछ और मुस्लिम ममालिक के लिए बैन किया है, और अगर ये बैन मुस्तकिल रहता है तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसका इंपैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर क्या होगा। पाकिस्तान को देखना यह है कि कश्मीर जब भी आजाद होगा या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान को वो जंग खुद लड़नी है, ओआईसी या कोई और मुल्क आके नहीं लड़ेगा। और वो जंग आप कैसे लड़ेंगे, अगेन जब मायशी तौर पर आप मजबूत होंगे। दूसरी बात जो जनरल साहब ने की कि हम शायद दूसरे ब्लॉक में चले जाएं, मुझे लगता है कि ये भी हमारी पॉलिसी माजी में भी यही रहा कि कभी हम एक कैंप में जाते हैं कभी दूसरे कैंप में जाते हैं। हम एक बैलेंस पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते कि हम दो तरफा ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अपने मफादात को सामने रखते हुए करें, बजाय इसके हम गए कि हम इस कैंप में हैं या दूसरे कैंप में। ये हमें पॉलिसी अपनानी होगी, और हमारा फेलियर इस वक्त यही है कि हमने बेसिकली जो इस कश्मीर के मामले के ऊपर जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप उसको मैनेज करने में नाकाम हुए हैं, और आज उसकी रिफ्लेक्शन आपको ओआईसी में भी नजर आ रही है। मुजम्मिल साहब, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब ने, तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है जब से ओआईसी में पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं मानी जा रही है। पाकिस्तान सोच रहा था कश्मीर को लेकर ओआईसी में कुछ बातें की जाएंगी, भारत के खिलाफ कुछ बातें होंगी, जो कि ओआईसी में बिल्कुल भी नहीं हुई। उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया का ये हाल है कि पाकिस्तानी ने अरबियों को ना जाने क्या क्या बातें इस वीडियो में आपने देखा कह दी। अरबियों को उन्होंने बोल दिया कि अरब यहूदी के दोस्त बनने वाले हैं, कुरान हदीस में ये लिखा है वो लिखा है, इस तरीके की बातें अमजद शोएब ने की हैं, तो आप समझ सकते हैं इनकी मेंटेलिटी किस तरीके की है। और आप समझ रहे हैं पाकिस्तानी कौन से सेंचुरी की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं मुसलमान एक जान है, अगर किसी एक मुसलमान को सिर में दर्द होता तो सारे मुसलमानों को सिर में दर्द देता। तो इस तरीके की कुछ इस वीडियो में बातें आपने सुनी होंगी। तो ओआईसी में जो हुआ है उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया कि हर चैनल में इसी तरीके की बातें हो रही हैं, और आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।